दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो की सबसे स्पेशल बात यह है कि हम सब इस वीडियो को देखकर अपने करीबी यारों को याद करेंगे। आज का वीडियो है चार दोस्तों के बारे में। हाँ, वही चार दोस्तों वाला टिपिकल सा ग्रुप जो व्हाट्सएप के अजीबोगरीब नाम वाले ग्रुप में बड़े बड़े प्लान बनाता है। हमने भी बड़ी ही शान से एक कूल सा रोड ट्रिप प्लान किया था, पर जहाँ चार दोस्त जमा हो जाते वहाँ प्लान वर्ड तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसलिए बड़े ही प्लान ट्रिप की अनप्लान सी दास्ता आपके लिए पेश है। अरे रुकिए, पहले मैं आपको इस कहानी के पात्रों से मिलाता हूँ। ये है सलमून, इसे मैं प्यार से ब्रो कहता हूँ। ये है गुरुप्रीन, जिसे प्यार से हम गुरु बुलाते हैं। ये भी दिल से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ग्रुप की जान है। इसके बिना तो हमारी ग्रुप अधूरी लगती है। ये है किशन, इसे प्यार से वकील कहा जाता है। LLB जो कर रहा है अपना भाई, पर है एक नंबर का आलसी। एक मिनट, हाउ कैन एवरीथिंग गो सो स्मूथली? आपको भी पता है, ग्रुप में प्लानिंग तो बहुत होती है, बट इट नेवर वर्क्स आउट एज प्लान्ड। कुछ तो गड़बड़ होनी ही है। हमारा ट्रिप शुरू हुआ विद अ बैंग, एक्चुअल वाला बैंग। मैं और सलमोन निकल गए आगे, और हमारे पीछे से गुरु और किशन एज यूजुअल बड़े ही टुच्चे से टॉपिक पे लड़ने लगे। गुरु अपना हेलमेट भूल गया और किशन अपना देने से रहा। क्या हो बे, देना पहला बोल लेगा ना, मैं घर से दूसरा लेके लेता था। ये मजा कर रहे गुरु को पेट भर गालियां देकर किशन चला गया अपने घर। गुरु चला गया अपने जोन में, और मैं और सलमान चले गए डिप्रेशन में। जैसे तैसे हेलमेट जुगाड़ कर हम गए किशन को मनाने। खैर, जितना किशन को मनाया गया उतने में अक्सर लड़की के डैडी लव मैरिज के लिए भी मान जाते हैं। जब किशन जी प्रसन्न हुए, हम सब खुशी खुशी दोबारा निकल पड़े हमारे अब तक मिस एडवेंचरस ट्रिप पर। तो भैया, धूप बहुत थी और प्यास भी लगी थी, तो हम सोचे कुछ पीने के लिए रुक ही जाते। विदाउट आइस, ट्रिपल राइस सुना मैं। विदाउट आइस।
सेकंड टाइम पुलिस ने पकड़ा अभी ट्रैफिक पुलिस ने गुरु और किशन को बताया, दो बार पकड़ा किशन और गुरु को। अभी रुकी गए थे, काम कर दे, अभी सोडा पी लेते हैं। वी हैड सुबह के फर्स्ट, अब वी हैव सम सोडा, जीरा सोडा, सब नहीं सोडा है। अगर ट्रैवल नहीं होता क्या हुआ, फूडीज है मैन, खाते पीते घर पे निकलते। जीरा सोडा गाड़ी लेके traveling, it leaves you speechless and then turns you into a storyteller. Fill your life with experiences, not things. Have stories to tell, not stuff to show. कैसा होगा अगर एक सुबह उठकर तुम्हें एहसास हो कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं बचा तुम्हारे दिल की वो सारी हसरतें पूरी करने का जिनके ख्वाब तुम हमेशा देखा करते थे। अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने ख्वाबों को इसी पल पूरा करो। सफ़र की खूबसूरती का एहसास अक्सर तब होता है जब घर लौटकर हम अपने चहेते तकिए पर सर रखते हैं और उस सफ़र की तस्वीर को अपनी आंखों में सजा लेते हैं। कितनी नायाब चीज़ है ये दोस्ती, यार कब परिवार बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ज़िंदगी के इस सफ़र में अगर दोबारा हमारी राहें मिली मैं ज़रूर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा मेरे इस सफ़र को बेइंतहा खूबसूरत बनाने के लिए। यादगार सफ़र तो वो होता है जो बिन सोचा बिन समझा हो, जिसके हर रास्ते नए हो, हर मोड़ चेहरे पर मुस्कान ले आए। मंजिलों की तलाश में सफ़र का मज़ा कहाँ है, सफ़र का मज़ा है अपनी मंजिलें बनाने में।